द मोस्ट टैलेंटेड ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट एक्ट्रेस। वेट, आपको क्या लग रहा है मैं आलिया की बात कर रही हूँ? यार ध्यान से सुनो, मैंने स्मार्ट बोला है, डम नहीं। मैं तो ट्विंकल मैम की बात कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, किद्दा, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाल की खाल विद डीजे में। हमारी आज की इस वीडियो में बात होगी करण जौहर के कलेजे की टुकड़ी, उनके जिगर का छल्ला और भट्ट सीन्स का प्रोडक्शन, आलिया भट्ट मैम की बात। वैसे आपने राहुल गांधी का नाम सुना है? प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते। अरे कहना क्या चाहते हो यार? आप ना बार बार कंफ्यूज मत हो, मैंने राहुल गांधी बोला है, बट आलिया भट्ट वाला भट्ट, मैंने बॉलीवुड के राहुल गांधी की बात की है। अगर इन मैम को बॉलीवुड का पप्पू भी बोलेंगे ना, तो कभी इन दीदी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। पप्पू हूँ मैं, पप्पू हूँ। वैसे आपको एक बात पता है, ये दसवीं फेल मैडम एक एयर होस्टेस इंस्टीट्यूशन की ब्रांड एम्बेसडर है। सच्ची नहीं यार, हमें की मिर्ची लगने लगी है यार। बट हमें ये जानना था कि एयर होस्टेस बनने के लिए कुछ ना कुछ तो पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती होगी ना, या फिर हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, या फिर हम स्टार किड होने चाहिए। नहीं ना यार, किसने इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया? मतलब कुछ भी। वैसे इन आले दीदी का ना रिपोर्टर्स के साथ बड़ा पंगा है। रिपोर्टर्स के फेवरेट मसाला स्टार है ये आले दीदी। पता है एक बार रिपोर्टर ने इनसे ये पूछ रहा कि मैम क्या आप होली खेलती हैं? तो मैम का एटीट्यूड तो देखिए। मैं सेलिब्रेट होली क्योंकि मुझे कलर से आई फील मुझे खुशी होती है। एक मिनट, अभी मुझे कुछ दिखा नहीं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो लेकिन अभी तो आले दीदी ये बोल रही थी, मैं सेलिब्रेट होली क्योंकि मुझे कलर से आई फील मुझे खुजली होती है। नॉटी गर्ल, जब पापा से छिप छिप के होली खेलते हो। अच्छा, वैसे आपको याद नहीं रहा होगा, लेकिन इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। आपकी यादाश्त भी तो एकता कपूर मैडम के सीरियल के एक्ट्रेस के अध्यक्ष जैसी है। जैसे उन एक्ट्रेस को भी पता नहीं होता कि उनकी यादाश्त कब चली जाए, वैसे ही आपकी यादाश्त है ना? क्यों मनाई जाती है पता? साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट पता है? हाँ, चाइना का प्रेसिडेंट? तो यहाँ की पता? नो ब्रो, ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। वैसे वो वाले दीदी, हमें तो पता है कि चाइना का प्रेसिडेंट कौन है, बस वैसे आपको पता है इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह। यार आपका दिमाग बताओ ना, 18 महीने के बच्चे को कंपटीशन देता है। मतलब आप ये बताओ, आप मेड इन इंडिया हो या मेड इन चाइना? कौन है, कहाँ से आते हैं? ना आपको चाइना के प्रेसिडेंट का पता है, लेकिन इंडिया के प्रेसिडेंट का नहीं पता। आपको तो इंडिया के पीएम का भी नहीं पता होगा। नाउ तुमको इतनी इरिटेशन होती जब मुझे कुछ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं पता होता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हम ज्यादा इंटेलिजेंट है या हमारा आईक्यू लेवल कुछ ज्यादा आई है, लेकिन हम आपकी तरह फेमस भी तो नहीं है ना, हम आपकी तरह स्टार किड भी तो नहीं है ना। लोग हमें तो नहीं जानते, लेकिन आपको तो जानते हैं, आपसे तो लोग मोटिवेट होते हैं, तो आपको तो सब कुछ पता होना चाहिए था। कुछ ना सही यार, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ये तो पता होने चाहिए। वैसे हम आपकी एक्टिंग पर कोई सवाल नहीं उठा रहे। नहीं यार, नो डाउट आपकी एक्टिंग अच्छी है, लेकिन आप ये तो आपको भी पता है कि आप एक्टिंग से ज्यादा तो अपने ऊपर बने हुए जोक्स के थ्रू फेमस हुई है। ये आपने खुद को भूल गया है ना। सिंगापुर में मुझे लोग जानते हैं, जब मैं सिक्योरिटी चेक के लिए जाती हूँ, मैम आपको जानते हैं पहचानते हैं, मुझे लगा फिल्म की वजह से। अच्छा नहीं नहीं नहीं, आपके जोक्स बहुत बड़े हैं। मुझे प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता है कि मुझे प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता है। अच्छा, हमने आपके टैलेंट की बात की है? नहीं की ना, लेकिन अगर आपने बात छेड़ ही दिया तो मैं बता दूं कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। अगर आपसे कोई बोले ना कि मैं एफबी का पासवर्ड भूल गई, तो पता है आप उसको क्या एडवाइस देंगे? कि जाकर गूगल बाबा से पूछ लो यार, आप तो कितनी टैलेंटेड हो। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। और अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का पूरा नाम क्या है, तो पता है उसको आप क्या बोलेंगी? अब की बार ऐसा।
आपका टैलेंट भैया, अब की बार उनका नाम नहीं है, ये उनकी पार्टी का नारा है मैम। म्यूजिक यार हद तो तब हो गई जब ये भट्ट दीदी शॉप पर तिरंगा लेने चली गई और उन्होंने शॉपकीपर को ये बोल डाला, क्या इसमें ऑल कलर्स है? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है, नहीं ये हम यार बहुत खूबसूरत लग रही है, आपने भी खूबसूरत लग रही है, आपके मतलब बड़े बच्चे सभी फैंस हैं मुझे लगता है, लेकिन इसके बाद ज्यादा फैंस हो जाएंगे। थोड़ा सा अलग सवाल पूछूंगी मैं जी, रामनवमी बहुत ही जल्द आने वाली है, रामनवमी नवरात्र शुरू होने वाले हैं, रामनवमी आने वाली है, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, आपका क्या था? ओके मैम, इस मीडिया विद ड्यू रिस्पेक्ट आज के हम सारे सवाल आज के इस इवेंट पे अगर हम सीमित रखें तो थैंक यू, सॉरी। कोई गलती नहीं है, हम आलिया दीदी के साथ है, गलती इन रिपोर्टर्स की है, इनको जब पता है कि आलिया दीदी का दिमाग 18 महीने के बच्चे को कंपटीशन देता है तो इतना हार्ड सवाल पूछने की जरूरत क्या थी वे? वैसे बड़ी नादान है ये भट्ट दीदी, पता है अभी जो नेपोटिज्म वाला मैटर इतना ट्रेंड कर रहा था उसके बाद आलिया दीदी ने खुद को टीवी में देख लिया तो इनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं हुआ, ये देखो ये ऐसे झूमने लगी। अरे दीदी की खुशी में किसी की नजर ना लगे, लेकिन ये भी तो बताइए टीवी में देखा कैसे, टीवी बंद हो जाने के बाद ना, मतलब छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेती है। मुझे क्या दिया था मुंह में? लॉन्ग, that really saved me from the cold. They were asking about an acting tip. You have given us some herbal tip. अरे ओ दीदी, इन्होंने एक्टिंग के बारे में पूछा था। यार इसमें आपकी गलती भी क्या है, मैंने आपको पहले बोला है आपकी याददाश्त भी एक तक फुल मैडम के सीरियल के एक्ट्रेस की याददाश्त जैसी है, कि कब चली जाए पता ही नहीं है, कुछ याद रहता ही नहीं है। वैसे आपको पता है इन मैम ने ना अब कपिल शर्मा की जगह लेने की ठान ली है जी, स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की कोशिश कर रही है, ये देखिए मीर बिल्ली को क्या बोलते हैं, हाँ क्या नहीं बिलियनर। अरे इतना हंसी का कुछ हो तुम्हारा, यार मेरे तो पेट ही दुख गया यार, कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ अपने ऐसी। अरे गॉड, व्हाई इज ए अ फ्लावर, व्हाई इज ए अ फ्लावर, ए फ्लावर क्यों है, क्योंकि बी उसके पीछे है। अच्छा आपने हमें अपनी कॉमेडी दिखाई, अब हम आप कॉमेडी करते हैं, हम आपके साथ एक क्विज कॉन्टेस्ट खेलते हैं, तो आप जरा बताना आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम। आई डोंट नो यार। हमारा देश कब आजाद हुआ था? आई डोंट नो यार। नहीं मतलब यार ब्रिटिश की सिटीजनशिप लिए घूमती हैं पर आपको ये नहीं पता कि इंडिया कब आजाद हुआ था। आपकी रियल मदर कौन है? आई डोंट नो। नहीं पता। आपकी एक्टिंग कैसी है? आई डोंट नो यार। आपका रिलीजन, आपका बैकग्राउंड? आई डोंट नो यार। यार कोई बात नहीं यार, आपका रिलीजन और बैकग्राउंड तो इतना रहस्यमय है, इतना रहस्यमय तो सीआईडी में कोई मर्डर केस भी नहीं होता। कुछ तो गड़बड़ है यार। पता है एक सिर्फ ये आलिया दीदी ही ऐसी दीदी है जिनके ऊपर बने हुए जोक्स की ना कोई एक्सपायरी डेट नहीं, हमेशा वैलिड रहने वाले हैं। तो इन आलिया दीदी को यहीं पे छोड़े चलो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, और तब तक आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, अगर ब्रश करते ना तो हंसते भी रहिए यार, मुस्कुराने में क्या जाता है। नमस्कार।